हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास एट्थ। तो आज हम क्लास एट्थ की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप स्क्वायर को देखिए। स्क्वायर जनरली हम लोग पिछले क्लासेस में एक स्क्वायर के शेप के बारे में पढ़े थे, है ना। सपोज करो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर शेप बना दिया, ठीक। अब स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं कि स्क्वायर एक हमारा ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ सभी क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब स्क्वायर इज ए क्लोज्ड फिगर व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सभी साइड्स स्क्वायर की क्या होती है, बराबर होती है। अगर इस साइड को हमने क्या मान लिया, एस मान लिया, तो ये भी आपका एस होगा, ए भी एस होगा, ए भी एस होगा, ठीक है। अब स्क्वायर की अगर एरिया की हम बात करें तो आपने एरिया भी निकालना पड़ा होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्लियर। साइड में हमने साइड का मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। तो ए बराबर आपका क्या हो गया, साइड इंटू साइड, मतलब क्या कहते हो, साइड के पावर टू, साइड टू द पावर टू, क्लियर। तो इसका मतलब जब भी स्क्वायर वर्ड आता है तो दिमाग में होना चाहिए कि हम किसी भी नंबर में या किसी भी चीज़ पे पावर कितना लगा देते हैं, हम टू लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस नंबर पे पावर आपने यहाँ पे टू लगा दिया, क्लियर। तो दैट मीन्स स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेंड बाय द मल्टीप्लाइंग द नंबर इटसेल्फ। दैट मीन्स कि स्क्वायर हमारा क्या होता है, स्क्वायर किसी नंबर का एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जब उस नंबर को हम उसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। जैसे सपोज करो हम टू का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम टू का स्क्वायर निकालेंगे तो टू का स्क्वायर मतलब कितना होगा, टू का पावर टू, और इसका फाइव का पावर टू, एंड दिस इज इक्वल टू फाइव इंटू फाइव, एंड दिस इज इक्वल टू 25। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द नंबर। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, सो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर इट्सेल्फ, क्लियर। अब जैसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आप अगर निकालना चाहते हैं तो उस नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें उस नंबर का क्या मिल जाता है, स्क्वायर मिल जाता है, क्लियर। सो आई होप आपको स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर हम किसी नंबर कैसे निकालते हैं, क्लियर है। तो हम अभी हम स्क्वायर के बारे में जानेंगे, फिर हम स्क्वायर रूट के बारे में समझेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले हम स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, और एक परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, फिर हम चलेंगे स्क्वायर रूट्स को निकाल लें, क्लियर। अब जैसे आपको कुछ हम यहाँ पे स्क्वायर निकालना, जैसे मान लो सिंगल डिजिट का नंबर का स्क्वायर अगर हम वन का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वन इंटू वन, दिस इज इक्वल टू वन। टू का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, टू इंटू टू, एंड दिस इज इक्वल टू फोर। थ्री का स्क्वायर करते हैं तो थ्री इंटू थ्री, एंड दिस इज इक्वल टू नाइन। फोर का स्क्वायर मीन्स सिमिलरली फोर इंटू फोर, एंड दिस इज इक्वल टू सिक्सटीन। सिमिलरली फाइव का स्क्वायर मीन्स फाइव पावर टू, दिस इज इक्वल टू फाइव इंटू फाइव, एंड दिस इज इक्वल टू 25, क्लियर। ये तो हम सिक्स डिजिट का नंबर, अगर वन डिजिट के नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो सिंपल हम आसानी से हम निकाल सकते हैं, और हमें वन का स्क्वायर याद भी है, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, एंड फाइव का स्क्वायर 25, सिक्स का स्क्वायर
कितना 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। ओके, तो आई होप आपको 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर का आपको स्क्वायर याद होगा। क्लियर है कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पे। अब आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से 2 डिजिट नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं। क्लियर, आपको 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने का हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसके हेल्प से आप जो है बहुत ही कम समय में अब 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में कोई भी नंबर या एक ऐसा नंबर जैसे हमारे पास क्या मिला, 1 मिला, 4 मिला, 9 मिला, 16 मिला, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100, ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। इसका मतलब अगर हम परफेक्ट स्क्वायर को थोड़ा सा और क्लेरिफाई करें तो हमारे समझ में आएगा। ए गिवन नंबर इज़ कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर हमारा गिवन है तो परफेक्ट स्क्वायर में तब होता है कि अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें। जैसे मान लो 36 को हमने कहा कि 36 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर है, 36 इज ए परफेक्ट। सिक्स इंटू सिक्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 36 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसा कोई भी नंबर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसके कितने, वो पेयर में उसके फैक्टर बनने चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको बोलेंगे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। सो ए नंबर इज ए कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर और ए स्क्वायर ऑफ नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ द सम नेचुरल नंबर। दैट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर में तब कहलाएगा कि जब हम ये श्योर हो जाएं कि जो हमारा नंबर है वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ना। जैसे हम कहते 64, तो 64 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि 8 हमारा एक नेचुरल नंबर है और 8 का स्क्वायर जो है कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। इसका मतलब कि हमने 64 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उसमें क्या हुआ, 8 का जो पेयर बन रहा है उसके फैक्टर में 8 दो बार आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जान गए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। क्लियर, ए नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर और ए स्क्वायर ऑफ नंबर इफ इट इज ए स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर एंड दीज नंबर आर एग्जैक्ट स्क्वायर एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी डेसिमल और फ्रैक्शन। मीन्स वही नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा जिसमें कि एग्जैक्ट स्क्वायर नंबर ही उसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, मीन्स उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कोई भी नंबर उसमें आ रहा है तो दो बार आना चाहिए। क्लियर, तभी हम उसको परफेक्ट स्क्वायर मानेंगे। क्लियर, चलो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम टू डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक सिंपल तरीके से। क्लियर, सपोज करो हमने यहाँ पे लिया क्या, 11 ले लिया। क्या लिया, 11 का स्क्वायर हमें निकालना है। क्लियर, अब 11 का स्क्वायर तो सभी को पता है कितना होता है, 121। लेकिन अगर हम ट्रिक यूज़ करें, शॉर्ट ट्रिक, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। अब 1 को हम 2 डिजिट के फॉर्म में अगर सेट करेंगे तो क्या होगा, 01। फिर इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। 1 यहाँ पे लिखा, इसको भी 2 डिजिट 1 टेंस के फॉर्म में सेट करेंगे तो कितना, 01 लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करना होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कितना, तो 1 आता है। अब इसका डबल कर देते हैं, कितना आया हमारा, 2। 2 को 1 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, अरेंज कर देते हैं। क्लियर, अब इसको ऐड कर लें, कितना, 1 2 1, 1 2 1 आ गया। क्लियर है, तो ये तो हमारा सिंपल था इसलिए हमें यहाँ पे आसानी से समझ में आ गया। लेकिन एक हम लार्ज नंबर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं, तो उसको देखते हैं। सपोज़ करो हमारे पास आ गया 28 आ गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है,
इसका स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले हम 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। अब 64 जो कि ऑलरेडी टू डिजिट के फॉर्म में है, इसलिए आपको जीरो इसके बगल में प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। हमने यहाँ पे 4 लिखा, लेकिन 4 हमारा जो सिर्फ यूनिट डिजिट का नंबर है, इसलिए हमें डबल डिजिट का अगर बनाना है तो उसके लेफ्ट साइड में हमने जीरो लगा दिया। ठीक है, अब सेम प्रोसेस वही करेंगे क्या, 2 का मल्टीप्लाई 8 में किया, फिर 8 का डबल कर 2 इंटू 8 किया, जो मल्टीप्लाई आया प्रोडक्ट है उसका डबल कर 8 9 16, 8 2 16, 16 2 32। फोर 6 2 कितना हुआ? 8। 4 3 कितना हुआ? 7 784। क्लियर। अब सिमिलरली अगर हम 31 का स्क्वायर अगर करते हैं तो देखिए कितना आता है। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना है? 1 चूंकि सिंगल डिजिट का है तो उसके लेफ्ट साइड हमने क्या 10 लगाया। 3 का स्क्वायर किया कितना है? 9 के लेफ्ट साइड हमने 10 लगा दिया। तो अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 1, फिर इसका डबल कर देते हैं 2 का मल्टीपल 3 इंटू 1 3 3 2 6, यहाँ पे हम लगा दिए। ठीक है, मतलब हमेशा क्या करना है आपको कि लेफ्ट साइड से राइट साइड से आपको 1 प्लेस को छोड़ के फिर जो नंबर आता है डबल करने के बाद उस नंबर को आपको अरेंज करना है। अब देखो ये 1 हो गया, इसको ऐड कर लो 1 6 9 9 61। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, क्या 31 का स्क्वायर 961 आ रहा है? तो 31 इंटू 31, आप ऐसे करोगे 1 1 जा 1 1 3 जा 3, फिर 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। आपने ऐड किया कितना? 1 इधर कितना आ गया? 3 3 6, इधर कितना आ गया? 9। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही आ रहा है, और आपने उस ट्रिक का यूज़ किया वहाँ से भी आपको वही चीज़ मिला। अब चलते हैं कुछ और बड़े नंबर का यूज़ कर लेते हैं। सपोज़ करो हमने ले लिया 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? पहले आप इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे। 8 का स्क्वायर किया 64, हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, अब जो कि 64 ऑलरेडी टू डिजिट का है तो हमें इसके बगल में कोई भी जीरो लेफ्ट साइड में कोई भी एक डिजिट आपको शिफ्ट वो कर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर बनाना होता है। अगर वो सिंगल डिजिट में आता तो हम डबल डिजिट करने के लेफ्ट साइड 0 बढ़ाते हैं, अगर वो डबल डिजिट में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 99 कितना होगा? 81, तो हमने यहाँ पे 81 लगा दिया। क्लियर, अब फिर से क्या करेंगे हम? यहाँ पे वही काम करेंगे 9 इंटू 8। ठीक है, फिर इसका डबल कर देते हैं। 9 2 जो कितना हुआ? 72। 72 का आपने डबल किया कितना? 144 आ गया। ठीक है, अब 144 आप यहाँ पे अरेंज करेंगे, एक प्लेस यहाँ से छोड़ेंगे राइट साइड से, 144 यहाँ पे आपने शिफ्ट कर दिया। अब इसको ऐड कर लो कितना? 4 6 4 कितना? 10 कैरी 0 0 कैरी 1 4 1 5 1 6, यहाँ पे 6 हो गया। 8 1 कितना हुआ? 9। तो आपको कितना आ गया? 9604। तो इसका मतलब कि हम मल्टीप्लाई वाले तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि जैसे मान लो किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है जिसके वंस प्लेस पे 5 हो, क्लियर, तो ये स्क्वायर इसका निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर आपने कितना लिख दिया? 25 लिख दिया। अब इधर 2 लिखा हुआ है, 2 में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 6 6 लिख दिया, ये उस नंबर का क्या हुआ? स्क्वायर आ गया। सपोज़ करो हमने यहाँ पर ले लिया एक और, मान लो 75 है। ठीक, तो इसका स्क्वायर लिखा कितना है? 5 5 जा 25। अब ये देखो 7 है ना, 7 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जा 7 8 जा कितना हो? 56। यहाँ पे हमने 56 शिफ्ट कर दिया, तो 75 का स्क्वायर कितना हो गया? 5625। मान लो हमने ले लिया कितना? 95 का हमें स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो फिर से वही काम, इसका स्क्वायर लिखो कितना है? 25, फिर 9 में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करो, 9 10 जा कितना? 90, हमने यहाँ पे 90 शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से हमने स्क्वायर
ऐसे नंबर का भी देख लिया आसान तरीके से, जिसके वंस प्लेस पे कितना आता है, 25 आता है। क्लियर। तो आई होप आपको स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और किस तरीके से हम डबल डिजिट नंबर का शॉर्टकट तरीके से हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग समझेंगे और इसी पे रिवीजन करेंगे। बाकी नेक्स्ट हम चेक करेंगे कैसे किसी नंबर को चेक करते हैं को परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, और कुछ प्रॉपर्टी भी जानेंगे परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई नंबर है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इसके बाद तो हम चलेंगे स्क्वायर रूट की तरफ। ओके, थैंक यू।